वक्फ बोर्ड में संशोधन का कानून को सरकार ने जेपीसी के पास भेज दिया है। इस पर विपक्ष अपनी कामयाबी बता रहा है, इसे अपनी जीत बता रहा है विपक्ष। तो वहीं सरकार का अगर कहना है कि इसको सबका साथ सबका विश्वास के तौर पर देखा जाना चाहिए। और इस मुद्दे पर हमारे सहयोगी आनंद कुमार सिंह ने समाजवादी पार्टी सांसद आर के चौधरी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुन लीजिए। सर, आप लोग लगातार कल इसका विरोध कर रहे थे कानून का, अब ये जेपीसी में चला गया, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम लोगों ने विरोध किया और हमारे पास विपक्ष का ऐसा कोई दल नहीं है जिसने विरोध न किया हो। विरोध तो पूरे देश में है, लेकिन पता नहीं क्यों हिंदू मुसलमान के चक्कर में बीजेपी पड़ी रहती है। चलो खैर, उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति को दे दिया है, हम लोग वेट करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पूरी ताकत से इसका विरोध करेंगे, पास नहीं होने देंगे। सर, अगर बात की जाए इस कानून की, तो सरकार का कहना कि हमने सबको साथ लेने के लिए, सबका साथ सबका विकास के तौर पर जेपीसी में भेजा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है ये हमारा पावर था जिसके चलते जेपीसी भेजा है। देखिए, मैं थोड़ा सा तीखा बोलता हूँ। जैसे भारत का जो संसद है वो लोकतांत्रिक संसद है, यहाँ लोकतंत्र है। जिस तरह से संसद भवन में लाके सिंगोल खड़ा कर दिया, और सिंगोल इस देश का प्रतीक है राजदंड का, यानी राजा के द्वारा दिए जाने वाले दंड का, तो उस जमाने में न्याय माना जाता रहा होगा। लेकिन जब भारत में संविधान है और संविधान के अधीन देश में तमाम कानून हैं, आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है, अदालतें फैसला करती हैं, संसद का काम है निश्चित तौर पर संविधान के दायरे में कानून पास करना। अब वहाँ ला के सिंगोल खड़ा कर दिया, और सिंगोल मैंने बताया कि ये राजतंत्र का प्रतीक है, और हमारी जो संसद है ये लोकतंत्र का प्रतीक है। तो निश्चित तौर पे बीजेपी और आरएसएस मिलके वही काम करते हैं जो देश के जो अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनके खिलाफ हो। तो हम लोग विरोध करेंगे, समिति को दे दिया है, वेट करते हैं। उसमें निश्चित तौर पे कुछ ऐसे लोग हों जो न्यूट्रल होकर बात रख सकें, वरना हम लोग हर लेवल पर इसका विरोध करेंगे। कुल मिला के सर, आपके तमाम शब्दों का यथार्थ ये है कि चाहे जेपीसी के बाद भी बिल आएगा तब भी आप विरोध करेंगे इसका, या जेपीसी के बाद जब आएगा आपकी सहमति अगर उसमें होती है आपके सांसद, तब आप उसे पास होने देंगे? नहीं, सही बात तो यह है कि समिति रिपोर्ट क्या देती है उसका अध्ययन तो करेंगे, अब पहले स्थान लेकर हम विरोध करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि बीजेपी वही हरकत करेगी जो अब तक किया है, तो इसलिए विरोध करने का मन तो बनाया है, लेकिन फिर भी एक बार अध्ययन करेंगे हम जरूर समिति का। ये थे सपा सांसद आर के चौधरी साहब, जिनका साफ कहना था कि अगर जेपीसी के बाद भी वो डॉक्यूमेंट आता है तो पहले उसको अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद आगे की रणनीति पर काम किया जाएगा। कैमरा मैन मनीष जोंडियाल के साथ आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।